प्राचीन भारत में धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, जिसमें से एक ऐसा धनुर्धर था जो उड़ती चिड़िया की आंख में निशाना लगा देता था, और एक ऐसा जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था, जिनके धनुष से निकले तीर में दम था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होता है। अगर हम आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, तो आप भी जरूर अर्जुन का नाम लेंगे, क्योंकि जब भी कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात की जाती है तो ज्यादातर लोग अर्जुन का ही नाम लेते हैं। लेकिन आज हम जिस धनुर्धर की बात कर रहे हैं, उस जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कोई हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अर्जुन और लक्ष्मण में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल संत वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अर्जुन, सबसे पहले बात करते हैं पांच पांडवों में से एक अर्जुन की, जिनकी धनुष विद्या तो जग जाहिर है। अर्जुन द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। कहीं ना कहीं अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर घमंड था। अब जिसके सर पर अहम हो, भला वो कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? यहाँ पर अर्जुन की अद्भुत धनुर्धरी कला को भी नहीं नकारा जा सकता। उनमें इतना सामर्थ्य था कि उनकी धनुष की एक टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। भले ही अर्जुन ने कई योद्धाओं को हराया था, लेकिन अपने भाई कर्ण के साथ वो धोखा करके ही जीत पाए थे। ये बात शायद श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण से अर्जुन नहीं जीत सकते। तभी तो उन्होंने अर्जुन को उकसाया कि वो कर्ण पर तब तीर चलाए जब वो अपने रथ के फंसे पहिए को निकाल रहे थे। लक्ष्मण, राम के छोटे और सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता, जिनकी धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। लक्ष्मण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब उन्होंने अपने तीर से रेखा खींची तो उस रेखा को कोई भी पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों में भी लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम और रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने इंद्र को परास्त कर दिया था। लक्ष्मण कई मायनों में अर्जुन से महान धनुर्धर थे। रामायण के अनुसार दोनों भाइयों ने विश्वामित्र के कहने पर बचपन में भी अकेले ही कितने खतरनाक राक्षसों को मार गिराया था। लक्ष्मण की तुलना महाभारत काल के किसी भी योद्धा से नहीं कर सकते। लक्ष्मण परम त्यागी थे, उनका साहस अद्भुत था। उन्होंने तो माता सीता की परीक्षा लेने पर श्री राम को भी युद्ध के लिए ललकारा था। भले ही अर्जुन ने बहुत बड़े योद्धाओं को हराया हो और महाभारत के नायक भी वही थे, लेकिन मेघनाथ अतिकाय जैसे योद्धाओं का अंत लक्ष्मण ने किया, तो शायद लक्ष्मण अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हैं। लक्ष्मण बुद्धि, कड़ी मेहनत, निस्वार्थ सेवा, परम त्यागी हैं, और जिनकी तुलना अर्जुन से तो क्या किसी से भी नहीं की जा सकती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।